हाय फ्रेंड्स, आज हम हैं वर्सा बीच पर। यहाँ पर एक सी फूड है जिसे लोग शायद ही उतना जानते हैं, जिसे हम सिम्फी कहते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस सिम्फी को किस तरह से निकाला जाता है और इसे किस तरह से बनाया जाता है। लोगों को ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है, देखते हैं। अरे फोटो खींच पा, हाँ निकाल, फटाफट निकाल, प्लीज निकाल, फटाफट निकाल के दे रहे, निकाल वंटी, निकाल वंटी का चाहिए मेरे को एक। हाँ खींचो ना, हाँ ले ले, निकाल इधर देख, इधर देख, इधर तो देख, मेरे पास दिखा दे। यह है हमारे दोस्त, इनका नाम जयेश है, बहुत ही माहिर लग रहे हैं, लगता है इस काम में बहुत फटाफट इनका काम हो रहा है। एक मिनट ना जयेश, आप ये चीज़ जो जमा कर रहे हो इसका आप क्या करने वाले हो? इसका अच्छे से धो के गर्म पानी में उबला के इसको डाल के इसका सालन बनाते हैं। अच्छा, तो इसको खाते भी है? इसको खाते भी है। अभी हम इसे धो लिए, अब इसको हम बॉईल करेंगे, बॉईल करके फिर उसको हम लोग उसके मतलब फूल जाएगा, फिर उसको साफ करेंगे, फिर उसको हम लोग इसमें डालेंगे, उसको बना लेंगे हम लोग। अच्छा, अब इसको धोते क्यों हैं? अब इसको हम अच्छे से साफ करेंगे, अच्छा उसको मिट्टी विट्टी पूरा निकाल लेंगे, फिर गर्म पानी में फिर उबालेंगे इसे। देखा पानी ज़्यादा हो गया इसके लिए। ये देखिए, यहाँ पर गैस पर इसे उबलने के लिए छोड़ दिया गया है, आप देख सकते हैं किस तरह से। आज तो लगता है इन लोगों का पार्टी है। अच्छा, आप इसको कितनी देर तक उबालते हो? इसको 15-20 मिनट में उबल जाता है। उबलने के बाद इसको फिर हम लोग निकाल लेते हैं, फिर एक कोप में डालते हैं, फिर उसको बीच में अंदर का अच्छा साफ वाला वो निकाल देते हैं, गंदा और उसको फेंक देते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये खुल गया है। इसके अंदर अभी भी मिट्टियाँ हैं, इसे फिर से एक बार शायद साफ करना होगा। अब ये धीरे धीरे करके सारे सिम्फियाँ खुलने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और किस तरह से ये खुल रहा है, ये देखिए। हम देख सकते हैं यहाँ पर सब सिम्फियाँ पूरी तरह से खुल चुकी हैं। क्या है उनके पास?
ये देखिए उबलने के बाद इसको किस तरह से साफ किया जाता है। इसमें कुछ जो कालेपन होते हैं उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है। इसमें काला काला मट्टी है शायद ये। रणजीत सिंह के गोल पे ज्यादा दबाव नहीं बना। लेकिन पहले हाफ में खेल रहे थे पुणे के लिए, एक ड्राइविंग रन बनाया, मुझे पीछे भी छोड़ा, अच्छा विकल्प एंगल के रूप में उनके बाई तरफ मौजूद था, कुछ शॉट दिया वो भी टारगेट पे नहीं रख पाए। लेकिन उसके बाद आया मौका जिसको घुराया चेन्नई एनएफसी ने, मुल्डर का पास जेरी के लिए क्रॉस, हल्का सा फ्लिक डब्ल्यू सूची का और फिनिश कितनी अच्छी जीजे नाल पे हुआ थी। अपूरा एंगल बैटर को कट गई थी चेन्नई को, फिर दूसरे हाफ में आए ये हमारा प्रोसेस अभी चालू हो रहा है। यह है हमारा सिंपली और इसमें जो हम डालने वाले हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ कांदा है, इसमें मिर्ची अदरक और लहसुन अच्छे से मिक्स करके रखा है। ये है हमारा टर्मरिक पाउडर, ये चिल्ली पाउडर, ये हमारा नमक और ये गरम मसाला पाउडर। और यहाँ देख सकते हैं आपके टमाटर। तो अब अपना आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। ये हमारा कढ़ाई गर्म हो रहा है और इसे हम थोड़ा गर्म होने देंगे। हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है और हमने इसमें भी डाला है थोड़ा ऑयल। अब थोड़ा गर्म होने देंगे। सबसे पहले हम इसमें कांदा डालेंगे, ऑनियन, इसको हम धीमे आंच में पकाएंगे। हल्का ब्राउन होने के बाद इसमें अपना दूसरा मटेरियल डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा जल जाएगा तो फिर वो फील नहीं आता। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं टमाटर। देख रहे हैं थोड़ा हमारा प्याज और टमाटर ब्राउन दिख रहा है, तो पाँच सात मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम मिर्ची अदरक और लहसुन का पेस्ट, क्योंकि हमने घर में ही बनाया है, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। नमक डालना पहले। ये देख रहे हैं हमारे मसाले सब यहाँ पर एक ग्लास में से हम मिलाएंगे।
ग्लास में थोड़ा पानी लेंगे क्योंकि हमने पहले से ले लिया है। ये मिक्सर आप देख रहे हो, इसमें सब हमने अपने मसाले मिक्स किए हुए हैं। अब आप इसका कलर देख सकते हो, लाइट ब्राउन हो चुका है। 5 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। चिकन नहीं, चिकन मटन अलग। देख सकते हो मसाले का कच्चापन जा रहा है और जब तक इसमें तेल ऊपर नहीं आता तब तक हम इसे धीमे आंच में 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। देख सकते हो इसमें उबाल आ चुका है थोड़ा थोड़ा और हमारा टमाटर पूरा गल गया है। रुक, अब अपना सिंपली इसमें डालेंगे। दिख रहा है, लग रहा है छिलेला चिकन है, वीडियो में ऐसा लग रहा है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको थोड़ा ढक देंगे 5 मिनट के लिए। हम थोड़ा चेक करेंगे कि ये पका है कि नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें उबाल आ रहा है। अब हम चेक करेंगे हमारा सिंपली पका कि नहीं। इसे हम उठाएंगे। हम देख सकते हैं पूरी तरह से सूख गया है ये। अब ये हमारा सिंपली पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे गर्मा गर्म परोसेंगे। और ये गर्मा गर्म परोस रहे हैं हम अपने सिंपली को। वाओ, कितना अच्छा खुशबू आ रहा है इसमें से। इसे हम थोड़ा गार्निश कर लेंगे। ये एक तरीके का सी फूड भी है। हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है।